हाय दोस्तों, कैसे हैं? मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। आप आइसर मोटर पे बहुत सारी क्यूरी आ रही थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस आइसर मोटर में कॉल पुट में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे कोई इशू नहीं है। आप मैं पहले भी बताया था, थोड़ा आइसर मोटर में जब तक ये बाइजर क्रॉस नहीं करता अभी, तब तक इसमें वीकनेस एक बना रहेगा। 22,000 पे आप देखेंगे, इसलिए मैं 22,000 बोल रहा हूँ कि वहाँ पे गैप अप था, गैप डाउन खोला था इसने, तो उस लेवल को एक बार इसको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन आज देखें तो ये अच्छे खासे एक 638 लेवल को जो क्रॉस किया है, एक वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखे तो यहाँ पॉजिटिव एक ट्रेंड दिखता है। और इसको जो क्लोज करना था 20,583 पे, लेकिन उसके जगह वो 100 पॉइंट ऊपर जाकर के 20,638 पे क्लोज करता है। वॉल्यूम भी ठीक ही दिख रहा है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट ठीक है, 20% 21% के वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, सेंटीमेंट तो निगेटिव बना हुआ, मैं आइसर मोटर पे कोशिश दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म भी, ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये अभी फॉल करेगा, ये वीकनेस दिखा रहा है और ये एक बार फॉल करेगा और एक बार ये लो बनाएगा 16,000 का, उसके बाद ही कुछ इसमें होगा। अभी तो आइसर मोटर में वीकनेस तो है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये हो सकता है आपको 21,000। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल है इसका, आप इस पे देखेंगे तो जो है इसका 21,035 और 21,500 और फिर 21,783, ये तीन लेवल है जो इसको, जो आपका आवरली कैंडल बेसिस पे ये डिफाइन किया हुआ है, तो आवरली कैंडल बेसिस पे ये तीन लेवल तोड़ेगा। ये 121,783 है, ये जो है आपका 21,471 है और ये जो है आपका 21,035 है। चूंकि ये इसने क्या किया है, एक मूविंग ट्रेंड को अपर दिए अप किया है, ये देखिए अपर अब जब तक ये 20,500 अप है, 20,000 प्लस है, स्टॉप लॉस आपको 20,000 का स्ट्रिक्टली लगा के रखना है। 20,000 तोड़ता है ये निगेटिव की तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको अभी थोड़ा पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है कि कुछ दिन पहले जब मैं इसको देख रहा था तो ये कॉल पे भी शॉर्ट मार रहा था, पुट पे भी शॉर्ट मार रहा था। अभी ऐसा नहीं है, अभी पुट पे शॉर्ट है, कॉल पे बाइंग है। और कहाँ तक बाइंग है? 22,000 तक। तो एक अच्छी बात है कि प्राइस जो गेन है, और आप यहाँ देखेंगे अनवाइंडिंग भी हो रहा है 22,000 पे, मीन्स जो शॉर्ट कर रहे थे वो अनवाइंड करके बाहर निकल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ओपन पोजीशन कहाँ है? 46,000 है, वो है 22,000 पे। तो हो सकता है आइसर मोटर एक बार आपको 22,000 की और दिखाए, 22,000 नहीं दिखाएगा, 22,000 की और दिखाए, 22,000 से ऊपर निकलना हो सकता है डिफिकल्ट हो, क्योंकि 23,000 पे अभी भी कॉल राइट हो रहा है तो शॉर्ट किया जा रहा है, और 66,000 ओपन इंटरेस्ट है, तो 23,000 भी क्रॉस करना डिफिकल्ट अभी भी दिख रहा है। अभी भी पोजीशन चेंज होगा, आज 15 जनवरी है, आप देखेंगे 20,626 15 जनवरी एट द मनी है। तो अब वैल्यू भी क्या बढ़ रहा है, अब देखिए अभी वैल्यू भी बढ़ेगा, आज हो गया 15 तारीख और अब तो एक्सपायरी का ये महीना हो गया लगभग, अब इस महीने में आपका डेज वैल्यू भी घटेगा। तो अब और आज बढ़ भी रहा है तो 6 पॉइंट बढ़ रहा है, 12 पॉइंट बढ़ रहा है, 35 पॉइंट एट द मनी, 20,000 का जो बढ़ा है वो सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ा है। मेरे अंदाज से अभी कोई इस महीने के कॉल पुट में आपको कोई गेन अब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सरप्राइज अगर इसमें 2,000-3,000 का गेन नहीं देखने को मिले, जैसे ये दिखाता है 1,200-1,800 का गेन, वैसा वैसा कोई गेन मुझे अभी नहीं दिख रहा है इसमें। ये अपने कंटिन्यूअस पैटर्न के 6 दिन के पैटर्न को जो है इससे ये प्रूफ कर दिया कि अभी ये जो है एक कॉन्स्टेंट आप देखिए स्टेगनेंसी बना के रखा है। यहाँ जो इसने फॉल दिखाया था, ये फॉल दिखाया था 20,211 के बाद जो ये फॉल किया था, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक अप ट्रेंड लिया है, ये अप ट्रेंड लेके मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अब कुछ दिन यहाँ पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करें ये यहाँ पे, लेकिन वापस जिस समय ये 19,700 जो इसके लो को बनाया था इसने, 19,785 के लो को तोड़ेगा, तो आपको 19,785 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तोड़ने के बाद ये और भी नीचे जा सकता है और वहाँ आपको बहुत लोअर लो भी देखने को मिल सकता है, तो आप चाहे तो उसके स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एक बार बोलिंगर बैंड्स में आपको दिखाऊँ इसमें क्या पोजीशन बन रही है डेली बेसिस पे, तो आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक बार ये जो है इस पोजीशन को 21,905 को ट्राई कर सकता है, जो कि 22,000 है, और ये इसका लोअर बैंड है 18,770, ये इसको टच कर सकता है। तो अभी रिसेंटली ये एक बार इसको लो करके हाई बना रहा है, और हाई बना के हो सकता है ये एक बार 21,000 की ओर जाए, और फिर वहाँ से आपको अगर ये 21,000
जो है 21,905 22,000 क्रॉस करता है, तो हो सकता है कि फिर आपको एक बार ऊपर साइड में लेके दिखाए, जो चांसेस जिसके थोड़े कम दिखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे 21,022,000 दिखा करके फिर वो नीचे की ओर फॉल मारेगा, और अगर ये जो नीचे का 17 जो आपको बताया 17,885 जो बताया आपको, अगर वो तोड़ता है किसी के कारण से, ये तोड़ता है जो आपका था 19,785 था, 19,755 19,755 19,755 अगर तोड़ता है आइसर मोटर, तो आपको 16,000 की ओर दिखाएगा ये 19, स्ट्रिक्टली 19,755 का 19,755 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो ही इसमें बाय पोजीशन में बने रहे, और बाय पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट अभी टाइमिंग बहुत, अभी चूंकि एक बार क्रॉस दिखाया है तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे 21,000 तक आपको जाते हुए दिखाए, 21,955 तक जाते हुए दिखाए, बट 21,905 में दम निकल जाएगा इसका, 22,000 क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहा है ये, ऐसा डेरिवेटिव पोजिशन में भी सेम दिख रहा है पोजिशन। तो आइसर मोटर पे अभी कोई भी ओपिनियन मेरा पॉजिटिव तो नहीं है टाइम बिंग, शॉर्ट टर्म ठीक है, जो अगर कहीं फंसे हैं तो 22,000 का ट्राई कर सकते हैं निकलने के लिए, ऊपर की ओर आपको निकलना है, अगर आप फंसे हैं तो ऊपर की ओर निकलना है, ऊपर पोजीशन नहीं बाई करनी है, नीचे ये दिखाएगा आपको और आराम से दिखा सकता है 16,000 का, बहुत बड़ी बात नहीं है। आइसर मोटर अभी थोड़ा निगेटिव पैटर्न है, अभी उसमें कोई पॉजिटिविटी मुझे दिखती नहीं, ये सारे एजुकेशन पर्पज से है, और कोई भी पोजिशन मेरे कहने से मार्केट में एटलीस्ट मत बनाइए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए, जानिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए अगर आपको नहीं मालूम है, फिर पोजीशन बनाइए। ये जो चार्ट पे बताता है, जो कॉल पुट पे पोजीशन बताता है, वो मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ, और उसके अनुसार ये पोजीशन जैसे कि अभी आईसीआर में पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म 2-3 दिन के लिए ऊपर की ओर दिखा दे, कल ब्रेक्जिट का न्यूज आएगा तो कल कोई भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कल का छोड़ दीजिए, लेकिन हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के लिए आपको आईसीआर में ऊपर की ओर पैटर्न देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।